आज मैं आपको मिलवाने वाला सूरत के किंग फारूक भाई से, जो कि सूरत में लगाते हैं ऑस्ट्रेलियन एक्सप्रेस। ये दुनिया की एकमात्र ऐसी शॉप है जहाँ पर कस्टमर के पसंद की नहीं बल्कि फारूक भाई जो भी दिल से एक आइटम लगाते हैं सारे कस्टमर खुशी खुशी वही आइटम खाते हैं। इनकी एग रेसिपी इतनी ज्यादा स्वादिष्ट होती है कि इसको खाने के लिए यहाँ पे 1 से 2 घंटे वेटिंग में इंतजार करना पड़ता है। तो चलिए फारूक भाई से बात करते हैं और जानते हैं कि इनके ऑमलेट में ऐसी क्या खास बात है जिसको खाने के लोग यहाँ पे घंटों इंतजार करते हैं। फारूक भाई आज क्या बनाने जा रहे हैं? ऑस्ट्रेलियन फ्राई, सबसे फेमस इनका ऑस्ट्रेलियन फ्राई यहाँ पे लगने जा रहा है। और ये आ गया हमारा एग को अच्छे से फेंट के अब यहाँ पे लगा दिया गया है, तो एक एक करके ऑमलेट को तैयार किया जाएगा और प्लेट्स में यहाँ पे रेडी किया जाएगा। तो फारूक भाई कितने साल हो गए यहाँ पे लगाते हुए आपको? 40 साल हो गए। किससे सीखा था आपने सारी एग डिशेस बनाना? कुकिंग से नहीं सीखा। वही देखो तो यहाँ पे आपको एग डिशेस मिल जाएगी जो कि सूरत में लोग बहुत पसंद करते हैं। अच्छा देखो तो यहाँ पे बॉयल्ड एग को अच्छे से काट के यहाँ पे लगाया जा रहा है, तो बॉयल्ड एग रेडी हो चुका है। अब नेक्स्ट ऊपर से हाफ फ्राइज में डाला जाएगा जिसको खाने के लोग बहुत दूर दूर से आते हैं। तो फारूक भाई कहाँ कहाँ से आते हैं लोग खाने के लिए? महाराजा, कापोदरा, कामरेज। कस्टमर है काफी दूर दूर से आता है और जो एक बार आ गया वो दोबारा यहीं पे आता है। और कितने अंडे जाते हैं उसमें? 4 अंडे। 4 अंडे जाते हैं। तो देखो हाफ फ्राइज हमारे रेडी हो चुके हैं। अब नेक्स्ट हमारे यहाँ पे ग्रेवी रेडी की जाएगी। तो ये आगे स्प्रिंग अनियन, तो देखो तो सभी एग्स को यहाँ पे अच्छे से मैश किया जा रहा है। फारूक भाई इतनी देर लोग वेट करते हैं कुछ बोलते नहीं है कि लेट हो गया हमें? उनको मालूम ही नहीं है, कल डेढ़ कलाक लगेगा, आधा एक घंटा लगेगा मुझे पता है। तो देखो तो यहाँ पे पालक की यहाँ पे ग्रेवी डाल दी गई है और देखो तो ये आगे ऊपर से वेजिटेबल और ऊपर से पनीर भर भर के यहाँ पे डाला जा रहा है। तो ये आगे हरे मटर। इंडिया में आपने ऑमलेट तो बहुत ज्यादा बनते हुए देखा होगा, बट ऐसी वेराइटीज आपने कहीं नहीं देखी होगी। डिफरेंट वेराइटी का ऑमलेट यहाँ पे रेडी कर रहे हैं। ऑस्ट्रेलियन एग है और ऊपर से देखो तो कितने सारे मसाले डाली, नमक डाली है। तो नेक्स्ट ऊपर से देखो ऑयल डाली है, मगज डाली है। तो खास बात इनकी पालक वाली ग्रेवी रहती है, इससे इसका टेस्ट जो है काफी ज्यादा बढ़िया था। तो मसालों के साथ मिक्स करके यहाँ पे रेडी कर दिए गए हैं। तो ऊपर से आ गया हरा धनिया, सॉस डाल दिया है और ये आ गई भाई अमूल की फ्रेश क्रीम। तो और यहाँ पे देखो चारों तरफ भीड़ लगना स्टार्ट हो चुकी है। तो देखो तो कितनी क्रीमी यहाँ पे हमारी ग्रेवी रेडी कर दी है। तवे पे इसको अच्छे से यहाँ पकाया जा रहा है, 5 से 7 मिनट अब इसको अच्छे से यहाँ पे पका लिया जाएगा। हमारी ग्रेवी यहाँ पे रेडी हो चुकी है, एक एक करके यहाँ पे प्लेट में इसको लगाया जा रहा है। तो ग्रेवी डालने के बाद ऊपर से देखो अच्छे से चीज कट करके प्लेट में लगाया जा रहा है। तो जैसे जैसे प्लेट रेडी होगी वैसे वैसे देखते ऊपर ऊपर यहाँ पे चीज डाला जा रहा है। तो अगर आप भी सूरत में रहते हो या विजिट कर रहे हो और बढ़िया सा यहाँ पे एग्रीज खाना चाहते हो तो मैं आपको रिकमेंड करूँगा यहाँ का कि ऑस्ट्रेलियन हाफ प्राइस जरूर लगेगी। देखो यहाँ पे पाव लगाया जाएगा, तो जो भी हमारी ग्रेवी रेडी की उसी से देखो तो पाव को अच्छे से सेक के यहाँ पे लगाया जाएगा। उसमें हरा धनिया डाल दिया, काजू डाला जा रहा है और एकदम काजू से इसको भर दिया गया है। तो फाइनली सूरत के फेमस फारूक भाई ने यहाँ पे बहुत ही बढ़िया हमारा ऑस्ट्रेलियन हाफ फ्राई लगा दिया है। देखने में तो काफी ज्यादा बढ़िया लग रहा है। साथ में देखो इनकी खास बात ये रहती है कि जो इनका सैलेड रहता है उसमें आपको पाइनएप्पल मिल जाएगा। तो एकदम बढ़िया सा मसाला डाल के पाइनएप्पल डाला है। तो आपको यहाँ पे देखो फ्रूट्स भी मिलेंगे, वेजिटेबल्स भी मिलेंगी, प्याज ही मिलेगा, टमाटर ही मिलेगा। और ये इनकी ऑस्ट्रेलियन हाफ फ्राई है जिसको लोग काफी पसंद करते हैं। इससे आपको चीज मिल जाएगा, काजू मिल जाएगा, ड्राई फ्रूट्स मिल जाएंगे, पनीर मिल जाएगा, सभी चीजें डाली होती है। साथ में ये है इनके पाव, पाव को देख सकते अच्छे से बटर में सेका गया है ग्रेवी के मसाले के साथ। तो चलिए अब इसको टेस्ट करते हैं, देखते कैसे बनाइए। तो चारों लेयर को मैंने अच्छे से यहाँ पे मिक्स कर लिया है ताकि जो सारे फ्लेवर्स हैं मुझे एक साथ यहाँ पे आए। तो इंडिया में बहुत जगह एग की डिशेस खाई है बट फारूक भाई के हाथ में जादू है। ये जो भी डिशेस बनाते हैं सभी एक से बढ़कर एक होती है और जो ये बना के सर्व करते हैं लोग वही खाते हैं। तो मुझे इनकी जो ऑस्ट्रेलियन हाफ फ्राई काफी टेस्टी लगी। खास बात है इनकी ग्रेवी, जो इनकी पालक की ग्रेवी रहती है बहुत ही ज्यादा बढ़िया है। ग्रीन चटनी डाली थी, क्रीम डाली थी और जो इन्होंने ऑमलेट हाफ फ्राई जो इसमें डाला है काफी बढ़िया कॉम्बिनेशन है। अंडे खाने तो टाइमिंग क्या रहती है? सुबह 12 बजे से रात को 10 बजे। और हफ्ते में कितने दिन लगाते हो यहाँ पे? संडे को बंद। दुकान का नाम और एड्रेस बता दीजिए, कहाँ पे लगाते हो सूरत में? सगरामपुरा पीली मिट्टी। और कोई फारूक भाई का नाम लेगा तो पहुँचा देंगे लोग यहाँ पे? अगर आप भी सूरत में रहते हो और कुछ डिफरेंट ट्राई करना चाहते हो तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा फारूक भाई के साथ इसको जरूर ट्राई कीजिए। 160 रुपए की प्लेट रहती है जिसमें कि आपको देखो तो पाव भी मिल जाएगा, एकदम बढ़िया ऑमलेट मिल जाएगा। तो जो भी आपको यहाँ पे डिश मिलेगी वो आपको 5 स्टार तक में नहीं मिलने वाली। तो इसको मैं यहाँ पे जल्दी से फिनिश करता हूँ और मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में।